Hello everyone. In previous class of English grammar, I completed chapter number 3, that is male and female. Today I'm starting with pronouns. What do you mean by pronouns? Pronouns are the name instead which we are using. For example, agar mujhe bulana hai Dhyani, please come here, to main kya bolungi? She has to come here. मतलब ध्यानी की जगह मैंने she use किया, तो ध्यानी की जगह मैंने she use किया, वो pronoun हुआ. यहाँ पे है कार्तिक has a balloon, तो कार्तिक की जगह हमने क्या use किया यहाँ पे? He. So he has a balloon, तो कार्तिक की जगह जो use हुआ वो क्या है? Pronoun. The cat is sleeping, तो cat की जगह हमने क्या use किया? It. तो it is sleeping, तो प्रोनाउन क्या है? इट. यस. इन द एग्जाम्पल्स अबव ही एंड इट आर यूज टू प्लेस यूज्ड इन प्लेस ऑफ कार्तिक एंड कैट. मतलब यहाँ पे ही यूज हुआ है वो कार्तिक की जगह पे यूज हुआ है, और इट जो यूज हुआ है वो कैट की जगह यूज हुआ है. दिस वर्ड्स आर प्रोनाउन. इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? प्रोनाउन. क्या कहते हैं? प्रोनाउन. यस. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन की जगह हम जो भी वर्ड को यूज करें उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन. सम प्रोनाउन्स वी यूज एवरी डे आर आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, इट, देम. ये सारे प्रोनाउन हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं. आई हैव वन थिंग फॉर यू ऑल, जस्ट वेट वन मिनट. जब भी बात प्रोनाउन की आती है, हम प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, तो आई के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है वी, आई, वी, यू. ये यू मतलब एक, और ये यू मतलब आप. जैसे ये आई मतलब मैं, वी मतलब हम, ये यू मतलब तुम. मैं एक जन के लिए बात कर रही हूँ. और ये यू मतलब आप, या फिर आप सब. ठीक है. ही मतलब लड़का, या फिर मेल जेंडर के लिए यूज होता है ही. शी लड़की, या फिर फीमेल जेंडर. और इट मतलब आइदर, न्यूटर जेंडर मतलब कि आइदर वो एनिमल्स होते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स. यस. और धे मतलब आप, मतलब वो लोग. धे मतलब वो लोग. ठीक है. यस. अब जब बात होती है मैं, तो मैं के साथ मी भी यूज होता है. यस. हम के साथ अस भी यूज होता है. यू के साथ योर्स भी यूज होता है. ये यू के साथ भी योर्स यूज होता है. ही के साथ हिज, हिम यूज होता है. हर, हर्स. एनिमल्स के लिए इट है तो इट्स, और दे के लिए देम. यस. ये सारे प्रोनाउन हैं. ठीक है. जब भी मुझे आई के बारे में बात करनी है, मेरे बारे में बात करनी है, मैं अगर सेंटेंस में कह रही हूँ आई एम अ गर्ल, और अगर मैं किसी चीज के बारे में बात करती हूँ, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस पेन
belongs to me, ये मेरी पेन है. Yes, we, us, मतलब जब मैं हमारी बात कर रही हूँ, जैसे we are good friends, तो हम, but this house belongs to us, ये हमारा घर है, तो us, right? तो ये सारे प्रोनाउन ही है. हाँ, और जैसे जनरल हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं, मेल एंड फीमेल के लिए कॉमन यूज होते हैं, कॉमन वो प्रोनाउन है आई, मी, वी, अस, यू, यू, योर्स, योर्स. मैंने ये दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैंने तुम वाला यू लिया है, ये मैंने आप वाला यू लिया है, कि तुम्हारा ये आपका, ठीक है. और दे एंड देम, ये सारे कॉमन प्रोनाउन है. कॉमन मतलब ये मेल के लिए भी यूज होते हैं और फीमेल के लिए भी यूज होते हैं. और जो मेल के लिए यूज होते हैं वो है ही, हिज, हिम. और फीमेल के लिए यूज होते हैं वो है शी, सॉरी, शी, हर, हर्स, ठीक है. यहाँ पे ओके, होप दिस इज क्लियर. आई विल कम बैक हियर वंस अगेन. देखो यहाँ पे वही बोला गया है, दिस प्रोनाउंस रिप्लेस द नेम ऑफ द पर्सन यूज्ड नेम फॉर द मेल्स. जैसे मैंने बताया यहाँ पे ही हिम, तो मैंने यहाँ पे कहा ना कि मेल्स के लिए हम ही हिज हिम यूज करते हैं. यूज फॉर नेम्स ऑफ फीमेल्स शी हर, यहाँ पे हम शी हर हर्स. यूज फॉर मेल, मेल एंड फीमेल बोथ, ये दोनों के लिए यूज होता है. I, me, you, we, us, they, them. I, me, we, you, we, us, you, you, yours, they, them. Yes? The pronoun it is used for the animal and things. जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था it है वो animals और non living things. Non living things मतलब चीजों के लिए use होता है. It is also used to talk about time and weather. जैसे वो टाइम और वेदर, टाइम मतलब समय और वेदर मतलब हवामान, उसके लिए भी यूज होता है. इट इज 9 o'clock, अभी 9 बजे हैं. इट इज सो हॉट टुडे, आज कितनी गर्मी है. यस, कैन यू आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड प्लूरल इन द टेबल्स अबव, क्या आप ऊपर सिंगुलर और प्लूरल बता सकते हो. यस, या ये मैं यहाँ पे आपको समझा चुकी हूँ. आई इज सिंगुलर, मी इज सिंगुलर, वी इज सिंगुलर, वी इज प्लूरल, अस इज प्लूरल, यू, 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 योर्स सिंगुलर, यू, योर्स प्लूरल, ही, शी, इट सिंगुलर, हिज, हिम, हर, हर्स सिंगुलर, इट सिंगुलर, इट्स सिंगुलर, दे एंड देम प्लूरल. यस, यहाँ पे वही चीज दी है, सिंगुलर प्रोनाउंस आई, ही, हिम, शी, हर, इट, प्लूरल प्रोनाउन वी, अस, दे, देम. द प्रोनाउन यू इज यूज्ड इन बोथ द सिंगुलर एंड प्लूरल. जैसे मैंने बताया था, मैंने दोनों यू का मतलब समझाया था. कीप इन माइंड अ सिंगुलर प्रोनाउन टेक्स अ प्लेस ऑफ अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन का की जगह सिंगुलर प्रोनाउन ही लेता है. जैसे रहिया लिव्स इन मुंबई, शी लिव्स इन मुंबई, द फ्लावर इज रेड, इट इज रेड. अ प्लूरल प्रोनाउन इज यूज टू प्लेस द प्लूरल नाउन. जैसे हमें सेंटेंस में ये चीज की ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है. Father puts biscuits on a plate.
फादर बिस्किट्स, फादर ने प्लेट पे क्या रखे, बिस्किट्स, तो यहाँ बिस्किट्स प्लूरल हुआ, थिंग्स हैं तो वो इट का प्लूरल होगा, तो फादर पुट देम ऑन द प्लेट, बिस्किट्स की जगह देम आ गया, ठीक है। सादिया एंड आई आर फ्रेंड्स, सादिया एंड आई प्लूरल हुआ तो वी आर फ्रेंड्स। एक्सरसाइज ए सी डब्ल्यू एंड टूडेज डेट, मैच द नाउन्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट प्रोनाउन इन कॉलम बी। राहुल, राहुल लड़का है सो राहुल इज ही। मनी एंड अखिल आर दे। माई सिस्टर मदर एंड आई, माई सिस्टर मदर एंड आई वी। हमेशा इस चीज में ध्यान रखना कि कितने भी नाम दे दो बट उसके साथ अगर आई आ रहा है तो वो हमेशा वी आएगा, और अगर किसी भी नाम के साथ आई नहीं आ रहा है तो वो दे आएगा। यस, प्रभा, प्रभा इज शी, अ डॉग इज इट, ठीक है। विद दिस आई विल एंड दिस क्लास, और मैं आपको फोटो भेजूंगी, आप उसके इसको तो नोटबुक में लिखोगे ही वापस, बट जो मैं दूसरे वर्ड्स भेजूंगी आप उसका भी प्रोनाउन खुद लिखने की कोशिश करोगे। यस, विद दिस आई विल एंड दिस क्लास, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर द डे, बाय।